हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने जा रहे हैं स्क्वायर रूट मेथड के बारे में। वैसे तो स्क्वायर रूट निकालने की कई मेथड आपने बचपन में स्कूल में पढ़ी होंगी, जैसे कि लॉन्ग डिवीजन मेथड, और दूसरी होती है हमारी फैक्टराइजेशन मेथड। इन दोनों के बारे में तो आप जानते ही होंगे, पर आज हम आपको बताने जा रहे हैं थर्ड मेथड, जो कि है हमारी शॉर्ट ट्रिक मेथड। तो शॉर्ट ट्रिक मेथड को जानने के लिए सबसे पहले आपको क्या जानना पड़ेगा? सबसे पहले आपको एक बॉक्स को बहुत ही ध्यान से देखना पड़ेगा। इस बॉक्स को हम बनाने जा रहे हैं, और ध्यान से देखिएगा, इस बॉक्स पे ही पूरा हमारा फोकस रहेगा इसका रूट निकालते समय। इस ब्लॉक को हम 5 या 6 ब्लॉक्स में डिवाइड करेंगे। ओके, तो इस ब्लॉक को हम 6 ब्लॉक्स में डिवाइड करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ओके, अब हम देखेंगे, जब हम देखते हैं कि जब भी हम किसी चीज़ का स्क्वायर करते हैं, जैसे हमने अगर 1 का स्क्वायर करा, 2 का स्क्वायर करा, तो लास्ट में हमेशा कौन से नंबर्स होते हैं? जैसे 1 का स्क्वायर करा तो हमेशा 1 रहेगा, 2 का स्क्वायर करा तो 4। तो ये कुछ नंबर्स हैं जो हमेशा स्क्वायर करते समय लास्ट में रहते हैं। तो कौन कौन से नंबर, जो यूनिट डिजिट में जो नंबर्स रहते हैं, वो होते हैं 1, 4, 5, 6, 9, 0। आप किसी भी डिजिट का स्क्वायर करके देख लीजिए, लास्ट की वैल्यू यही आएगी, 1, 4, 5, 6, 9 या 0। अब हम ये देखते हैं कि कब ये वैल्यूज आती हैं। तो 1 कब आएगा? जब या तो वैल्यू के लास्ट में 1 होगा या फिर 9 होगा। देख लीजिए, आप हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, और 9 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 81। दोनों ही केस में लास्ट में क्या आ रहा है हमारा? 1। सेम हियर, 4 को देख लीजिए, 4 कब आता है हमारा? जब या तो हमारा लास्ट में 2 होगा या 8 होगा। 8 8 जा 4 8 8 जा 64, सॉरी, एंड 2 2 जा 4, है ना? तो लास्ट में क्या आ रहा है? 4 कब आ रहा है? जब या तो 2 होना चाहिए या 8 होना चाहिए। 5 कब आएगा? जब किसी भी वैल्यू के लास्ट में 5 होगा, अगर हम उसका स्क्वायर करेंगे तभी 5 आएगा। जैसे 25 का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट जो भी डिजिट आएगी लास्ट में 5 आएगा। 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225, लास्ट में 5 आएगा। तो लास्ट में कौन सी डिजिट होना चाहिए? 5 होना चाहिए। 6 के लिए कौन सी कंडीशन होती है? या तो 4 होना चाहिए या फिर 6 होना चाहिए। जैसे 4 4 जा 16, तो लास्ट की वैल्यू 6। 6 6 जा 36, लास्ट की वैल्यू 6। सेम 9 कब आएगा? जब या तो 3 होगा या फिर 7 होगा। 3 3 जा 9, 7 7 जा 49। दोनों ही केस में क्या आ रहा है? लास्ट में 9 आ रहा है। ओके, और 0 लाने के लिए हमारी लास्ट में वैल्यू क्या होना चाहिए? हमेशा 0 होना चाहिए। जैसे कि 10 का स्क्वायर 100, तो लास्ट में वैल्यू क्या होगी? 10 का जब हम स्क्वायर निकाल रहे हैं तो लास्ट में 0 है, तभी लास्ट में 0 आ रहा है। ओके, टेबल आई होप आप समझ गए होंगे। अब हम करते हैं अपनी ट्रिक्स का इस्तेमाल करके करते हैं क्वेश्चन सॉल्व। ओके, तो अब हम देखते हैं, एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो मान लो हमें स्क्वायर रूट निकालना है 5 3 5 3 2 9। ये हमारे पास वैल्यू है, इसका हमें क्या करना है? स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है ना? तो इसका स्क्वायर रूट हम कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि लास्ट में वैल्यू क्या आ रही है? 9 आ रही है। तो 9 कब कब आती है? जब या तो हमारे पास क्या होना चाहिए? या तो हमारे पास 3 होना चाहिए या 7 होना चाहिए, तभी हमारी वैल्यू 9 आएगी। जैसे 3 3 जा 9, 7 7 जा 49। तो इस 9 के लिए हमने ये दोनों वैल्यू सिलेक्ट कर दी। अब हम क्या करते हैं? 9 का हमारा काम हो गया। जो सेकंड वैल्यू होती है हमेशा, उसे हम क्या करते हैं? स्किप कर देते हैं। इस वैल्यू का कोई काम नहीं है हमको, तो इसे हमने स्किप कर दिया, मतलब छोड़ देते हैं। इस वैल्यू का कोई भी यूज़ नहीं है हमारे क्वेश्चन में। अब हम आते हैं फर्स्ट वैल्यू के ऊपर। 53 इज़ द नंबर, 53 को उठा के हम यहाँ रख लेते हैं नीचे। अब हम देखते हैं कि ये जो 53 है वो किन दो नंबर्स के स्क्वायर के बीच में आता है। तो ये जो है वो किन दो नंबर्स के स्क्वायर के बीच में आता है? तो 53 आता है 7 के स्क्वायर और 8 के स्क्वायर के बीच में। आप भी जानते होंगे 7 7 जा 49 एंड 8 8 जा 64, इन दोनों के बीच में आता है, इन दोनों के स्क्वायर के बीच में आता है 53। तो अब हम क्या करना है? हमको कुछ नहीं करना है, जो ये जो छोटा नंबर रहता है हमेशा, छोटे वाले नंबर को उठा के जस्ट इसके आगे रख देना है दोनों के। समझ रहे होंगे आप? छोटे वाले नंबर को जस्ट उठा के कहाँ रख देना है? इन दोनों वैल्यूज के आगे रख देना है। रख दिया हमने दोनों वैल्यूज के आगे। अब हमें क्या करना है? दो वैल्यूज है हमारे पास, ठीक है?
अब हमें कुछ नहीं करना है, 7 है यहाँ पर, 8 है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देना है। तो 7 मल्टीप्लाई अगर हम 8 करते हैं तो कितना आता है, 56। बस आगे हमारा जस्ट आंसर आने वाला है, कुछ भी नहीं है। अगर ये जो 56 वैल्यू आई है, ये 56 अगर इससे बड़ा है तो हमारा आंसर जो छोटी वाली वैल्यू है वो हमारा आंसर होगा। और अगर इन केस मान लो ये 49 होता या कुछ भी दूसरा नंबर होता, तो अगर ये वाली वैल्यू 53 से छोटी है, 53 से छोटी है, तो बड़ा वाला आंसर होता। ठीक है, अगर ये जो हमने मल्टीप्लाई की है, ये जो वैल्यू आई है वो हमारे 53 मतलब यहाँ पे जो हमने जो वैल्यू, ये जो वैल्यू हमारी, उससे अगर बड़ी है तो छोटा वाला आंसर होगा, और इन केस अगर छोटी होती तो बड़ा वाला आंसर होता। तो हमारा आंसर क्या है, आंसर इज 73। ठीक है, आइए आपको समझाने के लिए अच्छे से एक और क्वेश्चन आपको देख लेते हैं। ठीक है, तो इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे हम, वही 1 कब आएगा देख लेते हैं। तो 1 1 जा 1, या फिर हम लेंगे यहाँ पर जो 1 आने के लिए क्या होता है हमारा 9। तो 1 1 जा 1 और 9 9 जा 81, दोनों वैल्यूज हमने ले ली। इसको सेकंड वैल्यू को हमें स्किप करना है, तो स्किप कर दिया हमने इसको। अब बचा हमारे पास नंबर क्या, 47। तो 47 को लिख लिया हमने यहाँ पर। तो ये किन दो के स्क्वायर के बीच में आता है 47, तो देखिए 6 के स्क्वायर और 7 के स्क्वायर के बीच में आता है। 6 का स्क्वायर 6 6 36 और 7 का स्क्वायर होता है 7 7 जा 49। ओके, तो हमारा नंबर देख लेते हैं हम। सबसे पहले ये जो छोटी वाली वैल्यू है इसको उठा के दोनों वैल्यूज़ के आगे रख देना है। दो वैल्यूज़ मिल गई हमको, 61 और 69। ओके, अब हम देख लेते हैं कि इन दोनों का डिवाइड करके मतलब मल्टीप्लाई करके 6 7 जा क्या होता है। तो 6 × 7 होता है, 6 7 जा होता है हमारा 42। तो हमने जैसा कि कहा था 42 जो है वो 47 से छोटा है, ध्यान से देखिएगा, 42 जो है वो 47 से छोटा है, इसका मतलब बड़ा वाला नंबर हमारा आंसर। तो 69 इज द आंसर। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कोई भी डाउट है क्वेश्चन में, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू।